इंडस्ट्री जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनिका किचन। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ये टिन लेते हैं जिसमें चॉकलेट केक बनाना है और उसको जो है हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ये केक टिन को कैसे हल्के हल्के हमें ब्रश से ग्रीस करना है, और चाहें तो आप मैदे से भी इसे डस्ट कर सकते हैं हल्का हल्का। देखिए हमें साइडों में भी ऑयल लगाना है, अच्छे से ग्रीस करना है इसको। इसमें जो है हम बटर पेपर लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने अच्छे से ये रॉन्ग शेप में काट लिया था बटर पेपर नाप से। अब इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसके ऊपर भी जो है हम हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। देखिए ये मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है, इसमें जो है थोड़ा सा मैदा डाल देंगे आधा चम्मच और टूटी फ्रूटी को मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है जो टूटी फ्रूटी है वो केक के नीचे बैठती नहीं है और इसके दाने अलग हो जाते हैं। मैंने ये लो फ्लेम पर प्री हीट होने 10 मिनट के लिए भारी तले वाला एक पैन रखा है। इसमें जो है हम एक स्टैंड रख देंगे और इसको ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। मैंने आधा कप मिल्क लिया है जिसे बटर मिल्क बनाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून वेनेगर ऐड कर दूंगी। अब इस मिल्क को जो है 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने टी कप का मेजरमेंट लिया है। मिनट हो गए हैं, अब इसे एक मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। आधा कप जो है मैं ऑयल ऐड करने जा रही हूँ, इसकी जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। और ये एक कप से कम चीनी है, ये पिसी हुई है, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी और इसे ऐड कर देंगे। बटर को जो है बीट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए अब जो है बैटर जो है स्मूथ हो गया है। देखिए बैटर जो है एकदम स्मूथ हो गया है और इसमें 1 टीस्पून जो है इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे और इसको जो है मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मैंने एक छानी ली है जिसमें मैं जो है 1.5 कप मैदा ऐड कर दूंगी। ये देखिए 1 कप मैदा ऐड किया अभी मैंने और ये जो है आधा कप मैदा ऐड किया है, और इसमें जो 4 स्पून मैंने इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें सोडा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम छानी से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए अच्छे से बैटर जो है हमने छानी से छान लिया। अब इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें जो है इसे हल्के हल्के हाथों से ही करना है और एक ही साइड घुमाते रहना है, एक ही साइड बीट करते रहना है। और ये देखिए बैटर जो है थिक हो गया है। बैटर को स्मूथ करने के लिए इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। बैटर में मैंने 1/2 कप मिल्क जो है ऐड कर दिया है। बैटर को और स्मूथ करने के लिए इसमें हम जो है 1/2 कप मिल्क और ऐड कर देंगे। ये देखिए अब जो है स्पैचुला के सपोर्ट से मैं इसे हल्के हल्के एक ही राउंड में एक ही तरफ मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें जो है टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। जो थोड़ी टूटी फ्रूटी बच गई थी वो भी ऐड कर दी मैंने। अब ये देखिए बैटर एकदम रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ऐसी स्मूथ होनी चाहिए। हमें केक बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए, स्मूथ एकदम। और ये देखिए बैटर को जो है हम टिन केक में पलट देंगे।
ये देखिए बैटर जो है टिन केक में पलट दिया है। अब इसको जो है अच्छे से टैप कर देंगे, 5 से 6 बारी इसको जो है हम हल्का हल्का टैप कर देंगे। 10 मिनट पहले जो मैंने प्री हीट होने पैन रखा था वो देखिए गर्म हो गया है, काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है हम टिन केक रख देंगे और इसको जो है हम ढक देंगे। इस पैन को हमने 40 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पर रखे रहने देना है और इसे जो है ढक के ही रखना है। ये देखिए गाइस, अब देखते हैं केक रेडी हुआ है या नहीं है। तो केक को हमें देखने के लिए मैंने ये स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो केक रेडी हो चुका है, अगर नहीं होता तो स्टिक पर जो है केक रह जाता लगा हुआ, तो इसका मतलब केक जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, केक टिन को हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब जो है हम नाइफ के सपोर्ट से साइडों से अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से केक अलग हो रहा है आराम से। तो ये देखिए अब इसको जो है हम प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम टिन को हटा देंगे और ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा तैयार हुआ है, एकदम बहुत ही परफेक्ट रेडी हुआ है एकदम। अब जो ये बटर पेपर है इसको हम हटा देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी केक बनाया है ना। ये देखिए अब इसको क्या है हम मेल्ट चॉकलेट से गार्निश कर देते हैं। ये मैंने जो है आलमंड चॉकलेट का यूज करा था। ये देखिए हम केक को गार्निश कर देंगे तो केक बहुत सुंदर लगता है। केक आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको जो है ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बना है ना केक। ये देखिए, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।